हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट अगेन सेल्स की एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना है। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में क्रेडिट नोट अगेन सेल्स की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट पर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्रेडिट नोट अगेन सेल्स की डेबुक को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। इनवॉइस डेट, यहाँ पे आपको इनवॉइस की डेट डाल देनी है। नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको इनवॉइस का नंबर डाल देना है। नेक्स्ट अकाउंट कोड, यहाँ पे आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने सभी एग्जिस्टिंग अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको जिस अकाउंट को सिलेक्ट करना है उसे आप यहाँ पर टाइप करके उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू अकाउंट के लिए आपको यहाँ पे दो बार लेफ्ट एरो की प्रेस करके न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट एवी कैलकुलेशन मेथड, यहाँ पे आपको जीएसटी और नेट अमाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे जीएसटी इंफॉर्मेशन के सेक्शन में। अकाउंट सिलेक्ट करने पे अकाउंट से रिलेटेड जीएसटी की सभी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप आ जाएंगी, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे इन्हें मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे रीजन ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट में। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट अगेन सेल्स का रीजन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका रीजन यहाँ लिस्टेड नहीं है तो आप यहाँ अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर सकते हैं। डू यू कंफर्म, यहाँ पे आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आइटम एंट्री के सेक्शन में। यहाँ पे आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसका हेड आपको यहाँ पे आइटम के तौर पर ले लेना है। आप यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो सभी आइटम की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम डिस्काउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देंगे, एंटर कर देंगे और दो बार एस्केप की प्रेस कर देंगे। आप आइटम मास्टर सिलेक्ट कर रहे हैं तब उसमें HSN कोड और टैक्स वही सिलेक्ट करना है जो आपने सेल इनवॉइस की आइटम मास्टर में लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉल रो हेड को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अकाउंट रिमार्क्स, यहाँ पे आप एंट्री रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट ब्रोकर, अगर ब्रोकर डिटेल्स हो तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेज, यहाँ पे आपको पेमेंट के ड्यू डेज एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो चुका है आइटम के HSN कोड के टैक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्रेस एस्केप और लेफ्ट एरो टू सेव, यहाँ पे हम एस्केप की या लेफ्ट एरो प्रेस कर सकते हैं, एंट्री सेव हो जाएगी। डू यू कन्फर्म, यहाँ पे आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। Want to adjust this sale return against its related sale bills? यहाँ पे आपको yes option select करके enter की press कर देनी है। Next, हमारे सामने सभी sale bill आ चुके हैं इस account के। इसमें से आपको जिस sale bill के सामने adjust करना हो entry को, उसे यहाँ पे हम select कर लेंगे और यहाँ पे हम एक बार enter की press कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा sale return amount यहाँ पे adjust हो चुका है। यहाँ पे आपको फिर से enter की press कर देनी है और एस्केप की प्रेस कर देनी है। डू यू कन्फर्म, यहाँ पे आपको येस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट अगेन सेल्स की एंट्री को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।